मेरी बात सुनो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ चलो इश्क लड़ाई नहीं करने आया, मैं यहाँ किसी मकसद से आया हूँ। तुम जानती हो मेरा मकसद क्या है? ऐसे बार बार तुम मुझे कभी इसके साथ कभी उसके साथ देखोगी, फिर सोचोगी मैं उनको ताड़ रहा हूँ। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं अपना मकसद पूरा करने आया हूँ। और एक बात आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये प्रीता, कृतिका, गीता, दे डोंट मैटर टू मी, ओनली यू मैटर टू मी बेबी, ओके? सो प्लीज इस तरह से जेलस होना बंद करो, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। और देखो, अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो कुछ भी गलत हुआ तो मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, चीजों को रोक सकती हूँ। तो प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजो, तुम्हारे साथ रहना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे मैं कोई आ रहा है क्या करे? चुप जाओ, चुप जाओ। अरे यहाँ पे भी पकड़ी जाओगी, कहीं और चुपो, कहीं और। कहाँ जा रही हो? अरे मैं कहाँ चुपू, मतलब ही कहीं की। कितने बेशरम है आप, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। वो आप ही थे जो इस घर में भेस बदल के घूम रहे थे। हाँ तो एक बात बताइए, ये जो फेस रीडर था जो मुझे इतनी सारी भविष्यवाणियां दे रहा था, वो भी था ना आपके साथ मिला हुआ? आपके साथ मिला हुआ था ना वो? बताइए। कृतिका, मेरी कृति, कैसी हो तुम? Oh my God! कितने सालों बाद देख रहा हूं तुम्हें, यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हें पता है मैं यहां क्यों आया? तुम्हारे लिए। ये भेस बदल के क्यों आया? तुम्हारे लिए। You know what, Just shut up, please. And don't call me Kriti. कोई हक नहीं बनता आपका, समझे आप? I'm Kritika Luthra. अब फिर से बेवकूफ नहीं बनने वाली हूं मैं। और अब मैं जाके पूरी फैमिली को बताती हूँ कि जिस इंसान ने इस घर की खुशियों की धज्जियां उड़ाई थी, वो इस घर में अब वापस से घुसा है और सबको बेवकूफ बना रहा है। इस बार नहीं बचेंगे आप। I love you, I love you, I love you. You got it right. I really do. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कृति। तुम्हें पता है हम जब से अलग हुआ ना, एक ऐसा दिन नहीं बीता जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं। तुम्हें पता है तुमने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता था ना, तब भी दिल को सुकून मिलता था। आज तुम्हें देख लिया तो मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है कृति, बहुत अच्छा लग रहा है। You know why? Because I really love you. I still do. Trust me. Good night. Sweet dreams. Oh. I'm sorry. मुझे पता है कि तुम ये सब इसलिए कह रहे थे कि इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। पर प्रीति, मैं नहीं देख सकती कि तुम किसी को भी आई लव यू कहो। मुझे जलसी हो गया, मैंने इसे मार दिया। I'm really proud of you. My possessive wife. सिर्फ वाइफ थोड़ी ना, वाइफ कम गर्लफ्रेंड है ना। हाँ। अच्छा लिसन,
अब तुम जाओ यहाँ से, इसको मैं हैंडल कर लूंगा। इसको हैंडल करने के बाद मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। क्यों? ताकि हम फिर से। अच्छा सुनो, मैं लूथरा हाउस के बाहर ही हूँ, अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा तुम्हें हेल्प करने के लिए, ठीक है? But be safe. Make sure कोई तुम्हें दिखे ना। ठीक है। Okay. जाओ, जाओ। मैं अभी आया। अभी मॉम को बोलता हूँ, दूसरी औरतों से बात कर रहे हैं, जूस पिला रहे हैं इनको, डांट पड़ेगी ना तब मजा आएगा। मॉम, क्या हुआ काव्या? दीदा, दादू ना उन आंटी को बहुत देर से देख रहे हैं, आप ना दादू को बहुत डांटो। क्या? अभी दिखाती हूँ तेरे दादू को। काव्या, ये आपने राखी मॉम को ऐसा क्यों बोला? देखा वो कितना गुस्से में आ गई। बेचारे बच्चे को क्यों डांट रही हो यार तुम? अरे अरे मिस रैंसम, डांटने दो ना, जब डांटों को डांट पड़ती तो बहुत मजा आता है। हाँ जी बताइए, तो क्या बातें शातें हो रही हैं आपस में? वो डैड ना बहुत तारीफें कर रहे थे उन आंटी की, कह रहे थे बहुत हॉट लग रही हैं। ओए क्या बकवास कर रहा है? ये तो बिल्कुल मेरी तरह बिहेव कर रही है, डिट्टो कॉपी है मेरी। बहुत गलत बात है, आओ जरा मेरे साथ। इससे भी डैड को मॉम से डांट खिलवाने में मजा आता है, मुझे भी आता था, अब क्या कहूं उसे? राखी जी आप बोलो तो मैं कान पकड़ लेता हूं, उठक बैठक लगा लेता हूं, आपकी परिक्रमा लगा लेता हूं 100 बार, लेकिन मैं सच कह रहा हूं भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं सिर्फ बातचीत कर रहा था, मैं किसी को इस तरीके से नहीं देख रहा था। मैं तो, आपके अलावा किसी और को देख सकता हूं क्या? तो क्या आप यहां झूठ बोल रही है? राखी जी महेश पापा, काफिया काव्या की तरफ से आई एम सॉरी। बेटा उसकी तरफ से क्या सॉरी, वो तो बच्ची है, सब जानते हैं, नॉटी है, नौटंकी है और कुछ भी बोलती है। अब उसने बोल दिया, लेकिन इनको तो समझना चाहिए ना, ये तो बड़ी है ना। अरे राखी आंटी बिल्कुल मत समझिए, मैंने खुद देखा था इन्हें, औरत को ना घूर घूर के देख रहे थे सर से लेकर पैर तक, इनका बस चलता ना तो आंखों से अपने घर तक छोड़ के आते, जूस का ग्लास दे रहे थे उनको। अरे तुम दोनों कैसे करण की जरूरत कर रहे हो? तक के नीचे होगा फोन। तुम्हें कैसे पता?